बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके सामने इस स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट आई शेडो पैलेट का रिव्यू करूंगी। इसे मेरा शेड है 01। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, इस तरह की पैकेजिंग है। इसके आगे आपको स्विस ब्यूटी लिखा हुआ दिख जाएगा, इसके नीचे अल्टीमेट आई शेडो पैलेट लिखा हुआ है। मेरा शेड है 01। सो आज हम देखेंगे इसकी पिगमेंटेशन कैसी है और इसका प्राइस कैसा है, इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं कैसे कैसा पैलेट है। इसे मैंने यूज़ कर रखा है, सो मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये पैलेट कैसा है। सो मेरी वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्क, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पैलेट में आपको मिलते हैं टोटल 9 कलर्स, और ये सारे ही कलर न्यूट्रल टोन के हैं। सो अगर आपको न्यूट्रल टोन की आई शेडो पैलेट लेनी है तो आप ये वाली पैलेट ले सकते हैं, ये बेस्ट है। और इसमें स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट आई शेडो रेंज में कुछ 7-8 कलर्स आते हैं, 7-8 शेड्स आते हैं, जैसे मेरा शेड है 01। इस पैलेट में आपको कोई मिरर प्रोवाइड नहीं होगा, इसके पीछे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसमें स्विस ब्यूटी लिखा हुआ है, अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, यहाँ पे मेरा शेड लिखा हुआ है 01। एंड पैलेट की MRP है 229 रुपीज, एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। सो ये काफ़ी चलने वाला है, ये जल्दी से एक्सपायर नहीं होगा। और इसमें इसमें लिखा है कि आप इसे स्मोकी लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरल भी, और पॉप अप कर सकते हैं नेचुरल टोन्स। बारी है इसकी पिगमेंटेशन देखने की, कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है, ये अच्छा पैलेट है या नहीं, आपको इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं। इसमें यहाँ पे आपको एक डार्क ब्राउन मिलता है शेड, और ये ब्राउज फिल करने के लिए थोड़ा ग्रेइश ब्राउन मिलता है। उसके नीचे इसमें शिमर शेड्स भी हैं एंड मैट शेड्स भी हैं। सो इसमें टोटल 3 शिमर शेड्स हैं, बाकी के सारे मैट हैं। एक हल्का सा शिमरी शेड है जो कि मैट लग रहा है, बट ये भी 4 टोटल शिमर शेड्स हैं इसमें। अब आ रही है इसकी पिगमेंटेशन का टेस्ट करने की, सो स्टार्ट करते हैं इसकी पिगमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं ये 3 कलर्स ले रही हूँ, सो इसकी पिगमेंटेशन मैं यहाँ शो कर दूंगी। सी हाउ पिगमेंटेड दिस 3 कलर्स। सो इसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं, इसके सारे शेड्स यहाँ पे मैंने स्वॉचेस करके दिखा दिए हैं। शिमरी शेड्स हैं वो थोड़े थोड़े शाइन कर रहे हैं, बाकी जो मैट शेड्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। सो मुझे तो ये पैलेट अच्छी लगी, इसके शिमरी शेड्स भी मैंने यूज़ कर रखे हैं, मैट भी, दोनों ही बहुत अच्छे कलर हैं। उनकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, सुपर्ब एकदम। इससे क्रीज अच्छे से बिल्डअप हो जाती है, और न्यू कलर से हम स्मोकी लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी पैलेट है ओवरऑल, और इसके आगे शेड्स मैं और भी मंगाऊंगी और भी उनका रिव्यू करके दिखाऊंगी कि वो कैसे हैं। वैसे मैंने रिव्यूज़ देखे हैं तो स्विस ब्यूटी के अल्टीमेट आई शेडो पैलेट्स के रिव्यू बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से मैंने ये वाला शेड्स मंगाया था, क्योंकि कोई भी न्यू शेड की पैलेट नहीं थी और ये मेरे पास न्यू शेड की पैलेट हो गई है, तो मुझे अब और ज़रूरत नहीं है। इसके शेड्स सारे ही अच्छे हैं। हम इस वाले कलर से, अगर आपके पास आईब्रो डिफाइनर नहीं है तो आप इससे आईब्रो भी अपनी बना सकते हैं, इससे आईब्रो भी अच्छे से फिल हो जाएगी। बाकी के कलर्स तो आप अच्छे से यूज़ कर ही सकते हैं, और ये बहुत अफोर्डेबल है तो इसे कोई भी परचेज कर सकता है, स्पेशली टीनेजर्स। और अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग पे जाना है और आपको ज़्यादा कलर्स लेके नहीं जाना, आपके पास बड़ी बड़ी पैलेट्स हैं, आपको वो कैरी नहीं करनी, तो अभी छोटा सा आई शेडो पैलेट अपने साथ कैरी कर सकते हैं अपने हैंड बैग में। सो ये था आज का रिव्यू, स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट आई शेडो पैलेट का रिव्यू। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था, या फिर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना। और ये वाला जो लुक है ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप इसे भी जाके देख सकते हैं। और ये लुक आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप कमेंट करके उस वीडियो में बताना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।